इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से रमन कुमार की निर्मम हत्या की गई, किस तरह से शादी के में एक बवाल हुआ, उन्होंने ये मना किया कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए। कुछ लड़कों ने वहां मिलकर इस कदर मारा उन दोनों भाइयों को कि इस तरह से तबियत खराब हुई, उन्हें DMC लुधियाना लिया जाएगा। और कल जब बात करें तो वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। आज यहाँ पर पोस्टमार्टम के लाए समय वहां के स्थानीय लोग और खासकर सरपंच रमेश लाल जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई मीडियो में खबरें आ रही थी कि DJ के सांग को लेकर कोई घटना हुई है, पर जब हमने सुबह इन्हें ऑनलाइन लिया तो इन्होंने साफ तौर पर कहा, और कुछ और लोगों से भी बात हुई कि बात क्या थी वो हमने आप तक सच लाया कि कई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके चलते उसका खमियाजा भुगतना पड़ा रमन कुमार को, जिसने आपत्ति जताई थी कि महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार मत कीजिए। रमेश जी, आखिर इस पूरी घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं कि दो लोगों को इतना झुंड पड़ जाता है और आज रमन कुमार इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, क्या पूरी बात हुई थी ये बताइए। देखिए मैम, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी बात हुई है, लेकिन इन लोगों ने जो भी किया है सरासर गलत किया है। एक निर्दोष बच्चे की जान ली है, एक छोटी सी बच्ची के बाप की जान ली है, एक 20-22 साल की लड़की के विधवा उसको कर दिया है। लेकिन मेरी प्रशासन से, ये कानून से, LG साहब से और पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि इनका कोई भी जिन्होंने हत्या का प्रयास किया है वो कोई भी बचना नहीं चाहिए। कहा जा रहा था 20 से 25 लड़के पड़ गए थे उन दोनों को, 20 से 25 क्या 35 से 40 लड़के थे जो लोगों ने मुझे बताया। कुछ लोगों को हिरासत में तो लिया, तो मेरी बात अभी तक सिर्फ एक बंदा पकड़ा गया है जी। आज देखो चार थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आज 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में पुलिस ने खाली एक आदमी को पकड़ा है। पर सुबह DSP साहब से बात हुई थी, अभी SHO साहब से मेरी अंदर बात हुई है, उन्होंने बोला कि एक आदमी को पकड़ा है जो लड़की का भाई था बड़ा जी, जी। उसको पकड़ा है जी। तो बाकियों को अभी पकड़ा नहीं है, बाकियों को अभी नहीं पकड़ा है, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है इनकी प्रशासन को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो हम तब तक संस्कार ही नहीं करेंगे जब तक वो बंदे सारे हिरासत में नहीं होंगे। उनके दूसरे भाई भी रमन जी के दूसरे भाई वो भी अंदर एडमिट है बेचारे, वो आप उनकी जाओ स्नैप लो, जाके देखो किस कंडीशन में है। इन्होंने तो मेरा एक परिवार, पूरा परिवार ही खत्म कर दिया है। ये इसके फादर साहब है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये यानी कि अपना ना काम धंधा कर सकते हैं, कोई वो ही एक बच्चा कमाने वाला था, आप बताओ इस परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। पर इसके अंदर किस तरह से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं कि एक शादी के समारोह में आकर 30-35 झुंड बनाकर दो लोगों के एक की जान ही ले लेते हैं, ये किस तरह का माहौल तो है? बस ठीक है, माहौल हुआ, प्रशासन देखता है कैसा, यानी कि पुलिस क्या करती है ये नहीं करती, और हमें पूरी उम्मीद है पुलिस पूरा संजोग करेगी। अगर कोई संजोग नहीं करेगा, और मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे किसी भी हद तक अगर मुझे षटकों भी उतना पड़ेगा मैं उतरूंगा। सर, हम आपकी आवाज हमेशा उठाएंगे, आगे भी उठाते रहेंगे जब तक इन लोगों को, इस परिवार को इंसाफ। और खास करके मैं उस मुंशी के लिए बोलना चाहता हूं जिसने उन बच्चों के साथ यानी कि बुरा व्यवहार किया है, और उसके लिए मैं कतई भी उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो सभी बच्चे सामने आपको लाइव में बैठा के, और SHO साहब, DSP साहब सबके सामने बैठा के वो मैं बताऊंगा उन्होंने क्या क्या बोला, और उस लड़की को जो विडो हुई है, इसकी बीबी थी, उसके साथ भी जो उन्होंने बोला है, उसका बच्चा रो रहा था, तो उसका बच्चा रो रहा था, वो उसको दूध पिला रही थी, और उसने अभद्र व्यवहार से उससे बात की है इनके, ये तो मुझे अभी पता चला। दी जाती है जनता जो शिकायत, ये हमारे रक्षक हैं, बख्शक हैं हमारे लिए, और हम कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक सरपंच हूं, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी मेरे लोगों के साथ निर्दोष कोई करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई भी होगा। बिल्कुल सर, इंसाफ होगा, जरूर होगा जी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। जब उस समय हमला हुआ उस पर रमन पर, उनके भाई पर, आप वहीं पे थे? हाँ जी। पूरी बात क्या हुई थी प्लीज बताइए। बात ये हुई कि मैडम अंदर उनकी बीबी को छेड़ा गया, ठीक है, जैसे वो पूछने के लिए गए, देन उन पे हाथापाई हुई, उसको छुड़ाने के लिए उसका बड़ा भाई गया, उसकी भी कमर तोड़ के फेंक दिया हुआ है, ठीक है मैडम। तो उसके बाद जब बाहर निकाला उस झगड़े से, इन्होंने वापस अपने आप में सब में इकट्ठा कर लिया एक झुंड, ठीक है, जैसे वो बेचारा अकेला था बाहर। ये कोई गुंडों का झुंड है क्या मैडम? ये इनका यही समझ लो, वही पूछना चाहते, वही झुंड है। इतने कि एक एक होता ना मैडम कि एक साइड से लड़की वालों साइड से, लड़के वाली साइड से, दोनों मिलकर ये काम किया उन्होंने। और जैसे रमन को हमने बाहर निकाला है, दूसरे बड़े भाई को निकाल रहे हैं, वो बेचारा अकेला था बाहर, 40-45 बंदों के झुंड पड़ा, उस अकेले को पता नहीं सर पे क्या क्या मारा हुआ है, छाती पे लगी हुई है, ठीक है। मैं उनके साथ ही था DMC में, इधर भी उनके साथ ही था। रमन की किस तरह, रमन को कहाँ कहाँ चोटें? चोटें उसकी चेस्ट पे भी आई हुई हैं, सर पे आई हुई हैं, जो मेन नर्वस होती है ना, जो सर्कुलेशन देती है पूरी बॉडी को मैडम, वो भी डैमेज कर दी गई हुई, वो तक फट गई हुई। हाँ जी मैडम, वो तक फट गई हुई है उसकी, वो कोई कुछ भी हलचल नहीं कर पाया।
कितने लोगों को पहचान थी जब आप मारे? मैडम उस टाइम रात का टाइम था, पहचान हम नहीं कर पाए क्योंकि हम उसको निकालने बचाने के चक्कर में पहचान नहीं कर पाए। मैं इतनी बेरहमी से कैसे कोई पुरानी को लड़ाई झगड़ा कोई कुछ पुराना कुछ नहीं था, जो भी था एट प्रेजेंट था जो कुछ हुआ। मीडिया में ये भी आ रहा है कि मैडम मीडिया का क्या, बस ये दो बातें इधर से दो बातें इधर से उठाए। तभी हम आपसे जानना चाह रहे थे ना कि कह रहे हैं कि डीजी को लेकर गाने को लेकर हुआ था, बस ये बातें इधर उधर की हैं, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, मेन जो पंगा था कि उनकी वाइफ को छेड़ा था। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोग? हम इस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ चाहिए, भाई तो क्योंकि चला गया तो उसकी जो तो चला गया वाइफ को कौन देखेगा, छोटी सी बच्ची को भी आगे मैं बोलना चाहता वाइफ को भी हाथ उठाया हुआ है। ठीक है, उसकी इतनी सी बच्ची है उसको भी इधर रैशेस आए हुए हैं, आप चाहे देख सकते हैं, उसको भी इधर रैशेस आए हुए हैं, इतने वो घर पे है, उनको भी मतलब देखा नहीं गया की बच्चे को, तो हमें इंसाफ चाहिए बस और कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ उसकी बच्ची और वाइफ और माँ पे हो, उनके लिए पूरा उनके जिंदगी का गुजर बसर के लिए पूरा जुगाड़ होगा, तब जाके मैं इस बच्चे का संस्कार करूंगा, अदरवाइज संस्कार नहीं होगा। ये मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के बेनती है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना खुलेगा रोड नहीं खुलेगा तब तक रमन का संस्कार नहीं होने देंगे जब नहीं होने पूरे साफ तौर पर यहाँ पे पुलिस के लिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चेतावनी है, जब तक कोई इंसाफ नहीं मिलता है इन्हें तब तक रमन का ये अदा संस्कार नहीं करेंगे। पर बड़े अफसोस की बात है, उस गांव में क्या गुंडों का गांव है जनाब, कि जिस तरह से इन्होंने बनाया कि 30 से 40 लोग आते हैं और इस कदर आप निर्मम हत्या यानी महिलाओं को भी मारते हैं। और देखिए हमने इसीलिए स्पष्टीकरण किया कि लगातार मीडिया में खबर आ रही थी डीजे को लेकर, अब सत्य क्या था ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, ये सरपंच साहब हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग और ये आई विटनेस भाई यहाँ पर हैं जिन्होंने उस समय देखा, जिन्होंने छुड़ाया, बीच में बच बचाव करने का प्रयास किया, ना जाने क्या उनके दिमाग पर खून सवार था जिसके चलते उन्होंने रमन को इस बेरहमी से मारा कि आज रमन अपने परिवार से दूर, अपने परिजनों से दूर है। क्या होगा उस 4.5 महीने की बच्ची का, क्या होगा 22 से 23 साल उस महिला का जिसके सर से उसका ताज चला गया, क्या होगा उस बूढ़े माँ बाप का जिनके बुढ़ापे की लाठी था वो। और इनका साफ तौर पर कहना है तब तक रमन का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक पुलिस प्रशासन उन आरोपियों को नहीं दर्दबोचता और इनके लिए कोई इंसाफ नहीं मिलता। अब ये फैसला करना होगा प्रशासन और पुलिस को कितनी जल्दी वो उन आरोपियों को, जो भी लोग पूरा झुंड वहां मौजूद था, सबके सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में ऐसे गुंडों का गिरोह किसी और की भी जान ले सकता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए क्योंकि ये रमन की नहीं बल्कि उसके परिवार की इंसाफ की बात है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।